लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरफ आइए। कार है यहाँ तो भूत पिशाचों का हमला भी है यहाँ। आइए देखिए कर भी हो तो ठीक है। गीता जी, इन अवशेषों को साफ करवा कर हम उन पर रिसर्च करते हैं। देखिए देवी जी, ये तो बिल्कुल विचित्रालय लग रहा है, अर्थात अजायब घर। हाँ, तुम्हारे आने की कमी थी। परंतु आप तो हमसे पहले आ गई हैं, कमी तो पूरी हो चुकी होगी। अब तुम खड़े रहो और चुप हो जाओ। हाँ? खड़े रहो और चुप हो जाओ। देवी जी, ये कैसे हो सकता है कि हम खड़े भी रहें और चुप होकर चले भी जाएं? ठीक है बाबा, चुप होकर खड़े रहो। खड़े तो हैं, पर रहें कैसे? ओफो, तुमसे तो राम बचाए। और ठीक है, उनसे भी पूछ लेते राम जी। परंतु देवी जी, कहीं आपने उनसे भी कह दिया कि चुपचाप खड़े रहो तो वो भी सोचेंगे कि खड़ा रहूं कि रहा रहूं। अच्छा मजाक कर लेते हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुना आपने? सुनो, इसका कपड़ा निकालो। रहने दो, मैं निकाल लेता हूं। इतना खूबसूरत हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये ताबूत जितना खूबसूरत है, उतनी ही इस पर लिखी हुई बातें बदसूरत है। मैं तो इनमें से सिर्फ एक शब्द समझने में कामयाब हुआ हूं। वो शब्द क्या है प्रोफेसर? कष्टक। कष्टक? हाँ, कष्टक। इसके सिवा मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस ताबूत से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे भी गीता, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस ताबूत को खोले कैसे। सर, हम इस ताबूत को तोड़कर भी तो देख सकते हैं। नो हेमा, हम पुरातत्व विभाग के लोग हैं, हमारे लिए ये ताबूत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसके अंदर के अवशेष। मगर सर, अगर हम इसे सावधानी से काटे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इसे हाथ लगाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। थोड़ा इंतजार करो, इसे खोलने की कोई न कोई तरकीब जरूर निकल आएगी जिससे ताबूत का नुकसान भी नहीं होगा। इसके अंदर जो कुछ है वह कहीं नहीं जाएगा। कष्टक, देखें तो सही कि इसके अंदर कष्ट क्या है। क्या हुआ गंगाधर? कुछ नहीं, ताबूत बहुत सुंदर है। तो तुम इतनी जोर से झटका क्यों खाए? कहा ना, ताबूत बहुत सुंदर है। जब कभी भी हम कोई सुंदर चीज को देख लेते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है। तभी तो तुम मुझे देखकर बौखला गए थे। प्रोफेसर, आपने एक बात नोट की है क्या? जब से यह ताबूत निकला है गर्मी कुछ बढ़ गई है। तुम बहुत इमेजिन करती हो। नहीं प्रोफेसर, आप खुद ही देख लीजिए ना, हम सब कितने पसीने से भीग रहे हैं। अपने आप को देखिए, हेमा को देखिए। लुक एट मी, लुक एट गंगाधर। हाँ, गंगाधर,
तुम्हें पसीना क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, अब काफी पसीना है। ये देखिए, ये देखिए, काफी पसीना है। आपको इतना पसीना नहीं है? ये ताबूत बहुत रहस्यमय बनता जा रहा है। आओ चले चले सक्सेना, इसमें कर्टन डाल देना। तुम्हारे जागने का वक्त आ गया, जागो। इतना खूबसूरत हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सर, हम इस ताबूत को तोड़कर भी तो देख सकते हैं। नो, नो हेमा, हम पुरातत्व विभाग के लोग हैं, हमारे लिए ये ताबूत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसके अंदर के अवशेष। मगर सर, अगर हम इसे सावधानी से काटे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इसे हाथ लगाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोफेसर ने मुझे मना तो किया है, पर मेरा मन नहीं मान रहा। आखिर ताबूत में है क्या? सुबह तक तो मुझसे इंतजार नहीं होगा, चुपचाप जाकर देखने में क्या हर्ज है।
तो अपने आप टूटता जा रहा है। Oh my God! उस तरफ गई है। कहाँ? उस तरफ जाके देखा। चलो देखते हैं। हाँ जी, चलिए चलिए।